चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 60 लाख रुपए से अधिक अवैध शराब को ट्रक किया जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब निर्मित शराब को बिहार राज्य में ऊंचे दाम में बेचने का था प्लान, पुलिस ने किया नाकाम। देखिए खबरें आज भी के लिए, चंदौली से साकिर अंसारी की रिपोर्ट। क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चंदौली, स्वाट और सर्विलांस टीम के प्रभारियों के संयुक्त ऑपरेशन में आज दिनांक 1 मार्च को हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब की भारी मात्रा में खेप बरामद की गई है। यह शराब एक ट्रक में धान की भूसियों की बोरी में छिपा कर ले जाई जा रही थी और रास्ते में अवैध चेकिंग से बचने के लिए इन लोगों ने खाद की फर्जीबिलिटी बनाई हुई थी। जैसे चेकिंग की प्रक्रिया के दौरान बताएं और दिखा सकें कि इस ट्रक में जो है खाद उर्वरक जा रहा है और इसमें चालक की गिरफ्तारी की गई है और उसके साथ जो ट्रक थी, ट्रक में भारी मात्रा में शराब मिली है। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है? बरामद जो शराब है उसकी मात्रा 705 पेटियों में कुल 6,281 लीटर के आसपास है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं, इसकी जो ट्रक चालक पकड़ा गया है और इसके गैंग के बारे में भी जानकारी कर रहे हैं, इनके स्रोत, इनके मालिक और कहां से ले जा रहे हैं, कहां सप्लाई करना था, सारी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र महोदय द्वारा और पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा सराहनीय कार्य के लिए इस टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार से अलग अलग पुरस्कृत किया गया है।